माजरत के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज जानवरों से करूंगा। आपने देखा होगा कि किसी जंगल में या पहाड़ी इलाके में अगर किसी बंदर पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए या कोई इंसान बंदर को मार दे या कोई बंदर जो है ये मार्गला रोड पे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। एक कुत्ता किसी गली में भौंके तो तमाम शहर के कुत्ते जो है जिन तक उस कुत्ते की आवाज़ पहुँचती है वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। एक कौवा मार दें, देहाती इलाकों में किसान अगर एक कौवा मार दें तो तमाम कौवे जो हैं वो काएं काएं करते हुए उस किसान की जान को अजाब में डाल देते हैं। लेकिन आप देखें कि दो महीने से फलस्तीनियों को मार पड़ रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनके हज़ारों बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, तो उन तक भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं तो मैं नारे तकबीर। मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं वो आपको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। आप उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई उस आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बम्बारी की लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा, दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिसंबर 1931 में शायर मशरक इलामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहाँ पे ख़ताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे अपने साथियों को, मुस्लिम लीग के साथियों को भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना। और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। और ये बात आज सही सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं किसी अरब बादशाह का नाम नहीं लेना चाहता कि वो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। हम बहुत से अरब बादशाहों के नाम ले सकते हैं जो सिर्फ ज़बानी बयानात तो जारी कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई मदद नहीं की फ़लस्तीनियों की। हमें सबसे पहले अपने घर का जायज़ा लेना चाहिए कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पर इतना बड़ा आपने इज्तिमा किया है, यहाँ पर आप अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी, करारदादें मंजूर होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इससे ये पूछने की ज़रूरत है कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि मसला है फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सॉल्यूशन है, 2 रियासती फार्मूला, तो ये पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, कहाँ पे ये फैसला हुआ कि 2 रियासती सॉल्यूशन जो है वो मसला फ़लस्तीन का हल है? और क्या ये हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात सबसे पहले की, मतलब पता है आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का
मतलब ये है कि जी आप इसराइल का जो वजूद है उसको तस्लीम कर लें और इसराइल को भी तस्लीम कर लें, और ये जो गज़ा और दरियाए उर्दन का जो मगरबी किनारा है इस तरफ जो फ़लस्तीन है यहाँ पे एक फ़लस्तीनी रियासत कायम कर दें। तो ये टू स्टेट सोल्यूशन है। अब मैं इस टू स्टेट सोल्यूशन को क्यों मुस्तरद करता हूँ, मैं इसके क्यों ख़िलाफ़ हूँ? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और दूसरी बात वो ये है कि बानी पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने 1948 में जब इसराइल को तस्लीम किया गया तो इस टू स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनको जब यह कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें तो उन्होंने इनकार कर दिया, और कायद अजम ने ख़त लिखा अमरीकी सदर ट्रूमैन को, और उस ख़त में यह कहा कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फ़लस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है, और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फ़लस्तीन है और पूरे का पूरा फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक़्वामे मुत्तहिदा की जो करारदादे हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो अक़्वामे मुत्तहिदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर पे करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फ़लस्तीन पे अक़्वामे मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते, और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। आप करेंगे ठीक 2 बजे। और ये भी इसमें एक पूरा चैप्टर है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म टू स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम कर सकता है, हम नहीं करते। और अभी वो कुछ ही देर में चंद सेकंड के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आपके इस इज्तिमा से खिताब करेंगे, और हम उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहाँ पे जो मौजूद उलमाए कराम और लीडरशिप है और आपकी तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं। और इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो यकीनन बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो इस्माइल हानिया को अपना हीरो समझते हैं, और हम आपके साथ हैं। हमारी हुकूमतें आपके साथ होना हो, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। और अब कुछ ही देर में इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो आपके सामने जलवा अफरोज़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो ऊपर ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा, दिसंबर का महीना है, और दिसंबर का महीना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 1931 में शायर मशरक इलामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आजम फलस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहां पे खिताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे अपने साथियों को, मुस्लिम लीग के साथियों को भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना। और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़ करने के काबिल नहीं है। और ये बात आज सही सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं किसी अरब बादशाह का नाम नहीं लेना चाहता कि वो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। हम बहुत से अरब बादशाहों के नाम ले सकते हैं जो सिर्फ जुबानी बयानात तो जारी कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई मदद नहीं की फलस्तीनियों की। हमें सबसे पहले अपने घर का जायजा लेना चाहिए कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे इतना बड़ा आपने इज्तिमा किया है, यहाँ पे आप अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी, करारदादें मंजूर होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इससे यह पूछने की जरूरत है कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि मसला है फलस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, दो रियासती फार्मूला, तो ये
पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट ने यह फैसला किया, कहां पर यह फैसला हुआ कि दो रियासती सोल्यूशन जो है वो मसला फलस्तीन का हल है, और क्या ये हमारे निगरान वजीर आजम साहब जिन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की बात सबसे पहले की, मतलब पता है आपको टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब यह है कि जी आप इसराइल का जो वजूद है उसको तस्लीम कर लें और इसराइल को भी तस्लीम कर लें, और ये जो गजा और दरियाए उर्दन का जो मगरबी किनारा है इस तरफ जो फलस्तीन है यहां पे एक फलस्तीनी रियासत कायम कर दें, तो ये टू स्टेट सोल्यूशन है। अब मैं इस टू स्टेट सोल्यूशन को क्यों मुस्तरद करता हूं, मैं इसके क्यों खिलाफ हूं? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और दूसरी बात वो यह है कि बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जब इसराइल को तस्लीम किया गया तो इस टू स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनको जब यह कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें तो उन्होंने इनकार कर दिया, और कायदे आजम ने खत लिखा अमरीकी सदर ट्रूमैन को, और उस खत में यह कहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फलस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है, और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फलस्तीन है और पूरे का पूरा फलस्तीन आजाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक्वामे मुत्तहदा की जो करारदादें हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो अक्वामे मुत्तहदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर पे करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फलस्तीन पे अक्वामे मुत्तहदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते, और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। आप करेंगे ठीक, 2 बजे आपने उसमें 1 मिनट रहेगा ऐलान करके फिर जी। मैं इजाजत देने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो बातें मैंने की हैं कायदे आजम के हवाले से, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहें कि ये तो सुनी सुनाई बात है, ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मौलाना जायदुर राशिदी साहब की किताब है मसला फलस्तीन पे, इसमें ये सारी बातें मौजूद हैं, और ये भी इसमें एक पूरा चैप्टर है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। निगरान वजीर आजम टू स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम कर सकता है, हम नहीं करते, और अभी वो कुछ ही देर में चंद सेकंड के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आपके इस इज्तिमा से खिताब करेंगे, और हम उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहां पे जो मौजूद उलमाए कराम और लीडरशिप है और आपकी तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं, और इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो यकीनन बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो इस्माइल हानिया को अपना हीरो समझते हैं, और हम आपके साथ हैं, हमारी हुकूमतें आपके साथ हो ना हो लेकिन हम सब आपके साथ हैं, और अब कुछ ही देर में इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो आपके सामने जलवा अफरोज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें, तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फलस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है, और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फलस्तीन है और पूरे का पूरा फलस्तीन आजाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक्वामे मुत्तहदा की जो करारदादें हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो अक्वामे मुत्तहदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर पे करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फलस्तीन पे अक्वामे मुत्तहदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते, और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। आप करेंगे ठीक, 2 बजे आपने जाना।
उसमें एक मिनट रह गया, ऐलान करके फिर जी। मैं इजाज़त लेने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने की हैं कायदे आज़म के हवाले से, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहें कि ये तो सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब की किताब है मसला फ़लस्तीन पे, इसमें ये सारी बातें मौजूद हैं। और ये भी इसमें एक पूरा चैप्टर है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म टू स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम कर सकता है, हम नहीं करते। और अभी वो कुछ ही देर में, चंद सेकंड के बाद, हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आपके इस इज्तिमा से खिताब करेंगे। और हम उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहाँ पे जो मौजूद उलमाए कराम और लीडरशिप है, और आपकी तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं। और इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो यकीनन बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो इस्माइल हानिया को अपना हीरो समझते हैं। और हम आपके साथ हैं, हमारी हुकूमतें आपके साथ हो ना हो, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। और अब कुछ ही देर में इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो आपके सामने जलवा फरोज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।